श्रीलंका मैच के लिए मुंबई पहुंचती टीम इंडिया को मिली 3 सबसे बड़ी खुशखबरी। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन सी है वो टीम इंडिया के लिए 3 सबसे बड़ी खुशखबरी, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप ये टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल भैया वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया चल रहा है, जहां तक टीम इंडिया ने अपने 6 मुकाबले खेले और 6 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन पेश कर अब टीम इंडिया नंबर 1 पर पॉइंट टेबल पर आ चुकी है। और जहां अब की अगला मुकाबला टीम इंडिया का यानी कि 7वां ओडीआई मुकाबला होगा, तो वहीं वनडे का 33वां मुकाबला जो कि यह मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला है। और यह मुकाबला आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम यानी कि मुंबई में खेला जाएगा, जो कि यह मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा, जो श्रीलंका की टीम पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर बनी हुई है। लेकिन इस मुकाबले के लिए आपको बता दें कि जब टीम इंडिया यहां पे दोस्तों मुंबई पहुंची टीम इंडिया को 3 बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या वो टीम इंडिया के लिए 3 बड़ी खुशखबरी। अगर पहली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वह है दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर। मोहम्मद शमी ने अब तक वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन पेश किया, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट चटकाए तो यहां पे इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट चटकाए, यानी कि लगातार परफॉर्मेंस काफी बढ़िया। और एक बार फिर अब श्रीलंका के खिलाफ भी खेलेंगे, जो कि यहां पे कोड रेड बोल चुके हैं, जो कि भारतीय फैंस और मोहम्मद शमी के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी बड़ी खुशखबरी की तो आए दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर। यहां पे कोड रेड ने साफ कह दिया, बीसीसीआई ने भी, कि इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या खेलेंगे। और यहां पे आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की वापसी टीम इंडिया के लिए उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके बाद अगर बात की तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी की तो आए भैया आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को लेकर। दरअसल यहां पे कोड रेड ने साफ कह दिया कि अब आने वाले और भी मैचेस में वर्ल्ड कप में यहां पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, भले हार्दिक पांड्या आ जाए लेकिन हम श्रेयस अय्यर को बाहर करेंगे और सूर्य कुमार को खिलाएंगे, जो कि टीम इंडिया उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। तो अभी के रहे 3 बड़ी खुशखबरियों के बारे में आप ही रहे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।